वित्त वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में कमी आई है। वित्त वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में करीब 14 लाख इनकम टैक्स रिटर्न कम दायर किए गए। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में दायर हुए इनकम टैक्स रिटर्न्स में कमी आई है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 13,76,517 रिटर्न्स कम दायर हुए हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 6,87,07,674 इनकम टैक्स रिटर्न दायर हुए, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में ये गिरकर 6,73,31,157 रह गए। उधर ई रिटर्न दायर करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल 2018-19 में 6,49,00,000 ई रिटर्न दायर हुए, जबकि उससे पिछले वर्ष 2017-18 में 5,47,00,000 ई रिटर्न दायर हुए थे। इसके अलावा सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में 1,61,00,000 रुपए के रिफंड जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में 18 जून तक सरकार 64,700 करोड़ रुपए के रिफंड जारी कर चुकी है। ये रकम कायदे से वित्त वर्ष 2018-19 में जारी की जानी चाहिए थी, मगर उसे अगले वित्त वर्ष के लिए टालने से ये रकम बजट घाटे में दर्ज होने से बच गई। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।